वहीं मऊ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो छात्रों को रौंद दिया। इसमें से एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र की मौत के बाद आक्रोशित होकर लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हमारे साथ हिमांशु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल स्थिति क्या है? लोगों का आक्रोश क्या शांत हो पाया है? हिमांशु, क्या लोगों का आक्रोश शांत हो पाया है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा हिमांशु से, और लोगों में आक्रोश है और लोगों ने इस दुर्घटना के फौरन बाद ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हमारे साथ हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या लोगों का आक्रोश शांत हो पाया है? जी हिमांशु, संपर्क नहीं हो पा रहा हिमांशु से। फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं उसमें लोगों का आक्रोश जरूर दिखाई दे रहा है। तो एक छात्र की मौत हो गई है, एक घायल है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई कि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। इस दुर्घटना के बाद आसपास जमा लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। एक छात्र गंभीर हालत में है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज चल रहा है। गुस्साए छात्रों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में हमारे साथ हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या लोगों का आक्रोश शांत हो गया है? जी देखिए, बता दूं कि बहुत ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया है। वहां पे बाइक सवार दो छात्र जो कॉलेज जा रहे थे पढ़ने के लिए, सुबह 10 बजे ही जैसे ही वो गेट पे पहुंचे, पीछे से अनियंत्रित बस ने उसको धक्का मार दिया, जहां पे एक छात्र की मौत हो जाती है। मौत के बाद छात्रों ने अपने साथी की मौत के बाद पूरा हंगामा काटना शुरू कर दिया। पुलिस की वहां लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस वहां मौके पे नहीं पहुंची। कुछ पुलिस वाले जो सिपाही थे वो वहां पहुंचे और उग्र छात्रों को देखने के बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। छात्रों को समझा के बुझा के उसको मामले को शांत कराया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने वहां पे लाठीबाजी लाठियां चार्ज की, जिससे छात्र और उग्र हो गए और आसपास के जितने भी गाड़ियां थी उस पर तोड़फोड़ की, उसमें ट्रक में आग लगा दी। किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद वहाँ SP के पहुंचने के बाद, वहाँ SDM के पहुंचने के बाद किसी तरह छात्रों को तितर बितर करके स्थिति को सामान्य किया गया। लेकिन तब तक ये गोरिल्ला युद्ध करीब 2 घंटे तक मोहम्मदाबाद में चलता रहा। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को रोक दी गई थी। बहुत लंबी लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही थी। जी तो हिमांशु, क्या ड्राइवर की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए मैं बता दूं कि एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद पुलिस अभी हाथ पैर मार रही है उस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए। अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या पहचान हो पाई है कि ट्रक कहां का था और किस दिशा में जा रहा था? आखिर ये एक्सीडेंट तेज रफ्तार से हुआ है, ऐसे में क्या ये भी संभावना है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब पी हो? देखिए बता दूं कि जो अनियंत्रित ट्रक थी उस पे केले लदे हुए थे और दूसरे प्रदेश से ये केले लदे हुए, केले मऊ से गुजरते हुए, मऊ उतारते हुए दूसरे जनपद में जाने थे। जिस ट्रक ने इस छात्र को रौंदा है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, अभी ट्रैक कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। वो अभी पता नहीं लगा पाई है कि क्या शराब ड्राइवर ने शराब पिया हुआ था, कैसे किस तरह से घटना हुई। तो पुलिस अभी इन सब चीजों को लेकर अभी छानबीन कर रही है। हिमांशु, जो घायल छात्र है उसकी स्थिति कैसी है? देखिए जो 2 छात्र थे उसमें से एक की तो एक्सीडेंट में तुरंत मौत हो जाती है। दूसरा छात्र थोड़ा बहुत गंभीर है, उसको लेके मोहम्मदाबाद PSCH ले गए थे ग्रामीणों ने। वहाँ उपचार के बाद अभी उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है वहाँ मोहम्मदाबाद में। अभी भी स्थिति उसकी सामान्य नहीं हो पाई है, लेकिन उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।